सुन लेना चाहिए। जो घर में सत्य पे जीते हो, ईमान पे जीते हो, धर्म पे जीते हो, और जो सात्विक जीवन जीते हो, जो भगवान के भगत हो, उनको ही परेशानी ज्यादा आएगी। आपके घर में जो मूर्ख है उसके ऊपर परेशानी नहीं आएगी। जो भी गलती हो रही है उसकी, उसका सारा का सारा जो दंड मिलेगा वो भले आदमी को ही मिलेगा।